नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विवेक पवार स्वागत करता हूं आपका policyplan.com के YouTube चैनल में। दोस्तों NFO और IPO या IPO और NFO ऐसे जो दोनों वर्ड है हम बार बार सुनते हैं, लेकिन बहुत अच्छा खासा कंफ्यूजन है लोगों के दिमाग में कि NFO क्या है और IPO क्या है। तो इसके बारे में पूरी तरह आपको जानकारी देंगे इस वीडियो में, बने रहे आखिर तक हमारे साथ। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। बाय द वे NFO जो रहता है वो म्यूचुअल फंड का रहता है, न्यू फंड ऑफर इसका फुल फॉर्म है। जो म्यूचुअल फंड का नया फंड आएगा उसको बोलेंगे NFO, न्यू फंड ऑफर म्यूचुअल फंड की रहती है। और जो IPO रहता है वो इनिशियल पब्लिक ऑफर है, शुरुआत की पब्लिक को दी गई हुई ऑफर। तो IPO बिलोंग्स टू स्टॉक मार्केट और NFO बिलोंग्स टू म्यूचुअल फंड। IPO कब निकाला जाता है? कोई भी एक कॉर्पोरेशन है, कोई भी कंपनी है जिसको पब्लिकली जाना है, पब्लिक से पैसा लेना है, जनरल पब्लिक से पैसा लेना है, उसको लिस्ट करना पड़ता है मार्केट में, उसके प्रोसेस को IPO बोलते हैं। मतलब कोई भी नया स्टॉक आएगा मार्केट में उसको इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोला जाता है। तो दोस्तों NFO जो है वो 10 रुपए से स्टार्ट होगा, लेकिन IPO जो है उसका फेस वैल्यू रहेगा 1 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए, लेकिन उसका जो प्रीमियम है वो जो है सब कुछ कंपनी डिसाइड करेगी। तो बेसिकली NFO जो है म्यूचुअल फंड का वो है एक लेमैन के लिए। एक आम आदमी को इन्वेस्टमेंट करना है, उसने जाना चाहे म्यूचुअल फंड के NFO में, लेकिन किसी को अगर IPO में जाना है, स्टॉक मार्केट के IPO में जाना है, तो दोस्तों उसके लिए ऑलरेडी आपको मार्केट का थोड़ा नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आपको IPO में ज्यादा स्टडी की जरूरत पड़ती है दोस्तों। बेसिकली NFO जब लाती है कोई म्यूचुअल फंड कंपनी, तो उसमें एक NFO में, मतलब एक फंड में 50-60 से भी ज्यादा स्टॉक आते हैं, लेकिन IPO रहेगा वो एक ही स्टॉक का रहेगा। तो जब IPO आता है या NFO आता है, दोनों में भी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट का माहौल रहता है। लेकिन NFO अगर आप देखोगे तो इट्स अ ओपन एंडेड फंड। तो ओपन एंडेड फंड में क्या रहेगा, बाद में भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। लेकिन दोस्तों IPO का जो रहता है वो सेकेंडरी मार्केट में जब लिस्टिंग होता है, एज पर डिमांड एंड सप्लाई उसका भाव जो है वो ऊपर या नीचे जाता है। लेकिन जो म्यूचुअल फंड का NFO रहेगा वो मार्केट के रिलेटेड चलेगा। मतलब NFO में जो उतार चढ़ाव है वो आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन IPO का जो स्टॉक है वो एकदम ऊपर या नीचे दोनों जगह पे जा सकता है। दोस्तों म्यूचुअल फंड के NFO में जाने के लिए आपको डीमैट की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको IPO में जाना है तो आपका कंपलसरी डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। दोस्तों थोड़ा दोस्तों IPO क्यों लाया जाता है इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए कोई भी कंपनी को एक्सपांशन के लिए पैसों की जरूरत रहती है, तो कंपनी के पास दो ऑप्शन रहते हैं, या तो वो बैंक के पास जाए लोन के लिए, तो वहां पे उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, अच्छा खासा रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको देना पड़ेगा बैंक्स को। अगर वो IPO के लिए जाते हैं तो पब्लिक से पैसा लेते हैं, तो उसके अगेंस्ट उनको पार्टनर बनाना पड़ता है, उनके शेयर होल्डर बनाना पड़ता है। तो IPO आपने खरीदा मतलब उस कंपनी के आपने शेयर बाय किए, तो इनडायरेक्टली आप उसके पार्टनर हो गए। दोस्तों IPO का जो अगर आप एक टेन्योर देखोगे इन्वेस्टमेंट का अगर देखोगे, तो बहुत सारे लोग इसको एक शॉर्टर पीरियड के लिए भी खरीदते हैं, कोई मिड टर्म के लिए, कोई लॉन्ग टर्म के लिए। स्टॉक मार्केट में अगर आप लॉन्ग टर्म पूछेंगे तो वो रहता है 6 मंथ एंड अबव। तो IPO की जो इन्वेस्टमेंट है कंपेरेटिवली म्यूचुअल फंड के बहुत शॉर्टर पीरियड के लिए, क्योंकि हम लोग म्यूचुअल फंड में नॉर्मली जाते हैं 5 साल, 7 साल, 10 साल के लिए, जबकि स्टॉक मार्केट में जो IPO में इन्वेस्ट होते हैं उसके बाद उसका जो इन्वेस्टमेंट वहां पे 6 महीना, 1 साल मैक्सिमम टिकता है। दोस्तों बहुत कम लोग है जो IPO में लॉन्ग टर्म के लिए जाते हैं। आजकल दोस्तों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में SME का भी लिस्टिंग होता है, मतलब स्मॉल एंड मीडियम स्केल का भी, इवन स्टार्टअप का भी लिस्टिंग होता है। मतलब अगर आपको IPO चाहिए तो आप SME के IPO या स्टार्टअप के भी IPO आजकल मार्केट में आपको इन्वेस्ट करने को मिल सकते हैं। IPO जो है वो डायरेक्ट मार्केट में जाएगा और म्यूचुअल फंड है वो इनडायरेक्ट जाएगा। मतलब म्यूचुअल फंड में मैंने AMC को, एसेट मैनेजमेंट कंपनी को, जैसे HDFC को पैसा दिया, HDFC ने एक फंड निकाला है उसके थ्रू वो मार्केट में गया। तो म्यूचुअल फंड का NFO इज इनडायरेक्ट स्टॉक मार्केट और IPO मतलब डायरेक्ट स्टॉक मार्केट। और भी कुछ चीजें हम जान लेते हैं। म्यूचुअल फंड में जो भाव बढ़ेगा तो यूनिट का भाव बढ़ेगा, उसको NAV बोला जाता है, नेट एसेट वैल्यू ऑफ द यूनिट। मान लेते कोई अपने NFO खरीदा है तो वो बेसिकली 10 रुपए से स्टार्ट होगा, मार्केट ने अगर ग्रोथ किया 10% तो ये भी करीब करीब उतना ही या उससे ज्यादा थोड़ा बहुत ग्रो करता है, तो उसके NAV 10 रुपए से 11 रुपए हो जाएगी। लेकिन स्टॉक का जो प्राइस है वो मार्केट डिसाइड करेगा, मतलब बायर और सेलर, जितने ज्यादा बायर है स्टॉक का भाव बढ़ेगा और जितने ज्यादा सेलर होंगे उतना स्टॉक का भाव गिरेगा। दोस्तों सबसे बड़ा डिफरेंस आपको बताएंगे दोस्तों, म्यूचुअल फंड के NFO में बंच ऑफ स्टॉक्स है,
मिनिमम 50-60 स्टॉक्स लेकर कोई भी फंड लॉन्च होता है। इसमें रिस्क का जो डाइवर्सिफिकेशन है वो बहुत ज्यादा है। मान लेते 50-60 स्टॉक में से 4-5 स्टॉक्स में परफॉर्मेंस नहीं दिया तो बाकी के उसको कवर अप करते हैं। लेकिन यहाँ पे आईपीओ में क्या है कि एक ही स्टॉक है, अगर मान लेते हैं वो गिरा तो उसका पोर्टफोलियो नीचे आने वाला है। तो कंपेरेटिवली आईपीओ में ज्यादा रिस्क है रादर देन एनएफओ। तो दोस्तों कंक्लूजन क्या है कि जो ज्यादा रिस्क एपेटाइट है, जिनको थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट का नॉलेज है, नॉलेज हासिल किया है ऑलरेडी स्टॉक्स में है, तो उन लोगों ने जाना चाहिए आईपीओ में, ओके। और जिनको मार्केट में जाना है लेकिन टाइम नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपर्टीज नहीं है, पैसा कम है, तो उन्होंने एसआईपी या लमसम म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए एनएफओ के थ्रू या एग्जिस्टिंग फंड में। तो दोस्तों इसके रिलेटेड आपके कोई भी क्यूरीज हो आप हमें डायरेक्टली फोन करके पूछ सकते हो। फॉर्च्यून एमएफ जो म्यूचुअल फंड का हमारा ऐप है उसके थ्रू हम लोग आपके लिए एक अच्छा खासा म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बना के दे सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे एक अच्छे टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों।